Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to speak on public examination prevention of unfair means bill 2024. Madam, bill jo hai ye is desh mein bahut badi bimari ko theek karne ke liye bill aaya hai. Mujhe pura vishwas hai ki achhi niyat se ye bill aaya hai, kyunki aaye din hum dekh rahe hain कि देश भर में विभिन्न राज्यों में जिस तरीके का नकल माफिया एक्टिव है और वो किसी उनको कहीं ना कहीं, मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नकल माफिया है जो देश के अंदर ये काम कर रहा है. और मैं राजनीतिक संरक्षण इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण तो माफिया है ही है, चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि इस देश के नौजवानों को रोजगार ना देना चाहती हैं. पर नौजवान जो है, छात्र जो है, वो साल साल दो दो साल पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, और उसके बाद क्या होता है, परीक्षा में बैठता है, पता चला साहब कहीं से पेपर लीक हो गया, पूरे की पूरी परीक्षा रद्द हो गई. फिर उसका कोई डेट नहीं कि कब दोबारा परीक्षा होगी. सभापति महोदय, हजारों की संख्या में नौजवानों ने खुदकुशी की है जिन्होंने पूरा अपना कई कई वर्ष लगा दिए तैयारी में, लेकिन वो परीक्षा ही नहीं हो पाई. मेरा यह भी कहना है कि यह बिल जो है, जैसा प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि वाकई कहीं ऐसा ना हो कि जो इसमें कुछ क्लॉजेस हैं ऐसे कि अगर कोई बच्चा अपने आप से देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, पता चला उस स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट किया जा सके, क्या किया जाए, तो इसका ये दूधारी तलवार भी साबित ना हो कि आने वाले वक्त में जो भी सरकारें रहें वो फिर उन स्कूल कॉलेजेस पर, उन इंस्टीट्यूशंस पर इतना दबाव ना बनाए कि वो उनका मिसयूज कर सकें. सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है. आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार में तो ख़ास तौर से क्या हाल है. उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले वर्ष जो है नकल करते हुए एक अखबार के रिपोर्टर ने एक्सपोजर कर दिया तो पता चला कि उसी को जो है उठा करके जेल भेज दिया गया. जो माफिया है वो इतना स्ट्रांग है कि उनकी करतूतों को अगर कोई एक्सपोज करता है तो वो उनके खिलाफ जो एक्सपोज करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उन पर कार्रवाई कराते हैं, उनको जेलों में भिजवाने का काम करते हैं. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूँगा कि ये वाकई अच्छा बिल है, लेकिन इसमें कुछ जो क्लॉजेस हैं, अगर वाकई इसको और डेलिब्रेशन इसमें किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी को आप भेजें तो और अच्छा रहेगा. एक कॉम्प्रहेंसिव अच्छा बिल आए जिससे नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके. नौजवान जो वर्षों वर्षों तैयारी करते हैं अपनी परीक्षा के लिए और उनको अंतिम आखिर में जो है उनको निराशा हाथ लगती है. मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय के जया कुमार जी, अच्छा अच्छा